आइए आज हम बात करते हैं वायरल डिजीज़ के बारे में। तो वायरल डिजीज़ क्या होता है? वायरल डिजीज़ एक वायरस से फैलने वाले ये डिजीज़ होते हैं। वायरल डिजीज़ बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, इसमें से एक स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है। स्मॉल पॉक्स डिजीज़ जो होता है ये वायरियोला वायरस से फैलने वाला डिजीज़ होता है। तो ये जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है ये अब हमारे देश में ख़त्म हो चुका है, यानी एक्सटिंक्ट हो चुका है। और ये वायरियोला से काज होता है, और इसका जो वायरस वायरियोला है इसका डीएनए ब्रिक शेप्ड होता है, यानी ईंट शेप्ड डीएनए होता है। और ये डीएनए सराउंड होता है कैप्सिड के द्वारा। कैप्सिड एक प्रोटीन कवरिंग है। जो ये वायरस बहुत कॉम्प्लेक्स वायरस है, और ये कैप्सिड जो होगा वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और ये लिपोप्रोटीन का बना होता है। फिर बात करते हैं कि स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इसके सिम्टम्स में स्टार्टिंग में जो है बहुत तेज़ी से यानी कि ठंडा लग के फीवर आता है, और उसके बाद पिंक रेडिस स्पॉट डेवलप्स हो जाते हैं जिनको मैकुलस कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे पहले ये पिंक रेडिस स्पॉट हमारे फोरहेड पे दिखाई देते हैं, इसके बाद गर्दन पे और यानी कि नेक पे, और फाइनली रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी पे दिखाई देने लगते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ दिनों के बाद जो मैकुलस होता है वो चेंज हो जाता है पिंक पिंपल्स में, यानी कि पैपुलस उसको बोलते हैं पैपुलस। फिर इसके बाद जो पैपुलस होगा वो कुछ लिक्विड से फ्लूइड से फिल्ड हो जाएगा, इसको पस्चूल्स बोलेंगे। फिर जब इसको ठीक करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट देना होगा तो एडाप्टिबिलिटी के द्वारा कुछ ट्रीटमेंट देंगे, तो इससे ये ड्राई हो जाएगा पस्चूल्स और सॉफ्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर की क्रिस्ट ऊपर से जम जाएगी। फिर ये वायरस जो है फैलता ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में स्किन के कांटेक्ट द्वारा, यानी कि आसपास बैठने से, बॉडी फ्लूइड के द्वारा, यूरिन के द्वारा और ब्लड के द्वारा। और इसका प्रिवेंशन होता है ओनली वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन लगाने से ही इसको रोका जा सकता है।